आप इन पोर्ट्रेट्स को तो बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। ये हमारे देश के नामी नेता अभिनेताओं की तस्वीर है, लेकिन इन चेहरों को आप शायद ही पहचानते होंगे। ये हमारे देश के उन रियल हीरोज के पोर्ट्रेट्स हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। पर्दे पर आने वाले फिल्मी हीरोज के सामने हम इन रियल लाइफ हीरोज को अक्सर भूल जाते हैं। उन्हें पहचानना तो दूर, हम उनका नाम तक नहीं जानते। लेकिन दिल्ली का एक युवा कलाकार पिछले 6 सालों से लगातार अपनी कला के जरिए इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। ये पोर्ट्रेट्स उसी युवा कलाकार ने बनाए हैं। भारत माँ के शहीद बेटों के पोर्ट्रेट्स बनाने वाले ये कलाकार हैं हुतांश वर्मा। हुतांश वैसे तो एक आर्टिस्ट है, लेकिन इनका दिल फौज के लिए धड़कता है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि हुतांश भी एक फौजी बनना चाहते थे, लेकिन जब वे अपने हाथ में बंदूक ना थाम सके तो उन्होंने पेंसिल और ब्रश को ही अपना हथियार बना लिया। वे कहते हैं कि बॉर्डर पे हाथ में बंदूक लेकर देश की रक्षा नहीं कर सके तो क्या हुआ। अपनी कला के जरिए देश के शहीदों को सम्मान तो दे ही सकते हैं। हुतांश शहीदों के पोर्ट्रेट बनाकर खुद ही उनके घरों तक पहुंचा कर आते हैं। फिर चाहे शहीदों का घर कितना भी दूर क्यों ना हो, उनके जज्बे के आगे हर दूरी छोटी हो जाती है। वे करीब 65 शहीदों के पोर्ट्रेट्स बनाकर उनके घर तक पहुंचा चुके हैं। अगर कोरोना वायरस ना फैला होता, वे अब तक 70 से ज्यादा पोर्ट्रेट शहीदों के घर पहुंचा चुके होते। हुतांश ने 2014 में अपने पिता के कहने पर इस काम की शुरुआत की थी और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया था पोर्ट्रेट्स ऑफ पेट्रियट्स, यानी देशभक्तों के चित्र। पोर्ट्रेट्स ऑफ पेट्रियट्स नाम मैंने सोचा था कि ये इनिशिएटिव काफ़ी मुझे लाइफ टाइम करना है, तो नाम थोड़ा यूनिक होना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ जो इन देशभक्तों से कनेक्ट करे। तो पोर्ट्रेट्स जो हैं वो चित्र जो हम तस्वीरें किसी शख्स की बनाते हैं, और पेट्रियट्स जिन्हें देशभक्त कहा जाता है, तो पोर्ट्रेट्स ऑफ पेट्रियट्स देशभक्तों के चित्र। तो मैंने सोचा कि एक क्रिएटिव नाम है, तो मैंने यही नाम सोच के इसको आगे बढ़ाया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीदों के पोर्ट्रेट्स बनाए थे। उन पोर्ट्रेट्स को देखकर उनके पिता ने पहली बार उनकी आर्ट की तारीफ की थी। हुतांश के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग था। पर कहते हैं ना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। हुतांश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस मुहिम की शुरुआत के कुछ ही महीनों बाद हुतांश के पिता गुजर गए। इस घटना ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। अब वे उन बच्चों की हालत और बेहतर ढंग से समझ पा रहे थे जिनके फौजी पिता ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। हुतांश कभी अपने कर्तव्य से ना भटके, इसके लिए उन्होंने अपने पिता और शहीदों की याद में अपने हाथ पर एक टैटू बनवाया, जो हमेशा उन्हें इस प्रोजेक्ट की याद दिलाता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेरे हाथ में 2 टैटूज हैं, जो एक पैरा कमांडोज के लिए है जिसमें बलिदान लिखा है। तो क्योंकि उनको वो चीज़ मिलती है, बलिदान बैज मिलता है कि वो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, उनके लिए सबसे पहले उनकी आर्मी आती है और उनकी जान देश के लिए है। तो उनसे इंस्पायर होकर कि मुझे उनके जैसा जज्बा, उनकी जैसी ताकत हमेशा मिलती रहे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, कि मैंने भी अपना जीवन इस प्रोजेक्ट के लिए ही समझ लीजिए दे दिया है कि मैं अब इसको ना तो बंद करूंगा ना मैं सोच सकता हूं। तो मैंने ये वाला टैटू कराया था ताकि मैं वो जज्बा अपने अंदर हमेशा इस टैटू को देख के फील करूं। जब भी मुझे डाउन फील हो कि मैं नहीं कर पा रहा हूं मैं, या फिर मुझे मैं थक गया हूं, या फिर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमेशा ऐसे थॉट्स दिमाग में जब भी आए तो मैं इस टैटू को देखूं और आगे बढ़ूं। और एक मैंने ये कराया था कि टू आर फॉलन सोल्जर्स यू हैव डन योर ड्यूटी टू ऑनर यू एज माइन। तो उन्होंने अपना काम कर दिया है, वो अपना काम करके चले गए, अब ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको ऑनर करते रहें, उनको याद करें और उनके परिवार का ध्यान रखें। तो ये मैंने उनके लिए कराया था। नीचे मेरे डैड की डेथ एनिवर्सरी इस पे है, ताकि मुझे ये याद रहे कि एक शख्स मेरी लाइफ से हमेशा के लिए जा चुका है और उस
शख्स ने ही मुझे शायद इस जर्नी को आगे रखने का रास्ता दिखाया था। उन्होंने ही शायद जाते जाते एक मुझे आइडिया दिया और मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करी। कहते हैं एक सच्चा कलाकार वही होता है जो अपनी कला में इतना खो जाए कि फिर उसे किसी और चीज की परवाह ही ना रहे, ना दुनिया की, ना लोगों की और ना उनकी बातों की। हितांश भी ऐसे ही एक आर्टिस्ट है। जब वे शहीदों के पोर्ट्रेट्स बनाते हैं तब उन्हें पोर्ट्रेट्स के अलावा किसी भी और चीज की परवाह नहीं होती। पोर्ट्रेट बनाने का जो ये प्रोसेस है बहुत इमोशनल है। इसमें पेन, प्राइड और बहुत सारे मिक्स इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट मेरे पास आती है या मेरे पास किसी शहीद फौजी का जो है पोर्ट्रेट बनाने को कहा जाता है तो सबसे पहले तो उसकी फ़ोटोग्राफ हमें चाहिए होती हैं और फ़ोटोग्राफ के बाद उस फौजी के बारे में जानता हूँ और उनकी पसंद नापसंद सारी चीज़ें, फैमिली से कनेक्टेड रहता हूँ। और जब लगता है दिल से फील ये आती है कि हाँ ये सही वक्त है इसको शुरुआत करने का तो ये कॉन्वर्सेशन चलती है। आप ये समझ सकते हैं कि मैं उस फौजी की रूह से कनेक्ट कर पाता हूँ और कम्प्लीटली मैं उनसे एक बातचीत कर पाता हूँ और फिर मैं उस पेंटिंग की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले एक स्केच रेडी किया जाता है, स्केच रेडी करने के बाद बैकग्राउंड पेंट किया जाता है और फिर डिटेलिंग पे काम शुरू होता है। और डिटेलिंग करते करते कई बार तो ऐसा होता है कि पोर्ट्रेट बनाते बनाते रोना भी आ जाता है और मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही इमोशनल प्रोसेस है ये। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में साई क्रिएशन नाम से दुकान चलाने वाले फ्रेमर चरणजीत ने भी इस प्रोजेक्ट में हितांश की बहुत मदद की है। हितांश अपने पोर्ट्रेट्स हमेशा इनसे ही फ्रेम करवाते हैं। चरणजीत भी इन पोर्ट्रेट्स की इम्पोर्टेंस अच्छे से समझते हैं, इसलिए उन्हें खुद एक्स्ट्रा केयर के साथ फ्रेम करते हैं। दुकान पर चाहे कितना भी काम बाकी क्यों ना हो, हितांश का काम सबसे पहले किया जाता है। जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत जगह पे बात करी, फ्रेमर्स से भी बात करी। तो लक्ष्मी नगर में एक साई फ्रेम्स करके शॉप है, तो वहाँ पे जो शख्स हैं वो मेरे फ्रेम पिछले 6 साल से कर रहे हैं। तो पहला पोर्ट्रेट भी उन्होंने फ्रेम किया था और टिल द टाइम जब तक ये पोर्ट्रेट्स ऑफ पेट्रियट्स मुहिम है, जब तक मैं हूँ तब तक वही करते रहेंगे। क्योंकि मैं एक बार मैं रिलेशंस बनाता हूँ, बिकॉज उस शख्स ने मुझे तब पोर्ट्रेट कम दाम पे फ्रेम करके दिया था जब मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अगर आज मैं अफोर्ड कर पाता हूँ तो मैं अपना क्लिंग नहीं तोड़ना चाहूँगा, अपना रिलेशन नहीं तोड़ना चाहूँगा। तो वो जो शख्स हैं वही मेरे पोर्ट्रेट फ्रेम करते हैं, तो आज उनके साथ इस तरीके से कॉन्टैक्ट किया अर्जेंट बेसिस पे। वो पहले मेरा काम करते हैं तो इस काम को बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत दिल से उस पोर्ट्रेट के फ्रेम करते हैं, बहुत संभाल के फ्रेम करते हैं। हितांश सर के लिए जो फ्रेम बनाते हैं बना के बहुत अच्छा लगता है, देश के लिए गर्व महसूस होता है कि हम भी हितांश सर के साथ जुड़े हुए हैं और उनके लिए कुछ देश के सैनिकों के लिए कुछ हम भी कुछ सहयोग दे पा रहे हैं। मेरा पूरा जो स्टाफ जो है वो भी बहुत मन से बनाता है कि हम कुछ देश के लिए कुछ कर रहे हैं। केवल चरणजीत ही नहीं, हितांश को अपने सफर में और भी कई मददगार लोग मिले जिन्होंने मुसीबत के समय में कभी टिकट बुक करके तो कभी आने जाने का खर्चा उठाकर उनकी मदद की है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें मुझे चमत्कारी तरीके से मैंने पोर्ट्रेट डिलीवर किया है। मैं शायद वहाँ नहीं पहुँच पाता लेकिन किसी न किसी तरह से आप समझ लो कि भगवान के रूप में किसी ने आके मेरी मदद करी। तो एक छोटा सा इंसिडेंट ये था कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे का पोर्ट्रेट देने जाना था और मेरे आई वॉज आउट ऑफ फंड्स, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई घर में और मैंने उस पोर्ट्रेट को देखा और बोला कि पांडे जी मुझे नहीं पता आप कैसे अपने घर तक जाओगे बट मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये पोर्ट्रेट डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। तो पोर्ट्रेट से बात कर रहा था एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे फेसबुक पे किसी ने मैसेज भेजा कि सर मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, आप कैप्टन मनोज कुमार पांडे का पोर्ट्रेट डिलीवर करने जाना चाहते हो। मैसेज आया हुआ था मेरे पास कि आपकी पोस्ट देखी और आप ऐसे कुछ पोर्ट्रेट डिलीवर करना चाहना चाहते हो, मैं आपका वो ट्रिप स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। तो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हैं, जैसे रांची जाते हुए कमांडेंट प्रमोद कुमार का पोर्ट्रेट डिलीवर करते हुए मेरा फ्लाइट मिस हो गई, मैं एयरपोर्ट टाइम से नहीं पहुंच पाया और नेक्स्ट फ्लाइट बहुत एक्सपेंसिव थी मेरे लिए, लेकिन मैंने किसी तरीके से उनको बोला कि कार्ड दिया ही था वहाँ पे जो क्या कहते हैं गो एयर एयरलाइंस को, तो कि मेरा नेक्स्ट फ्लाइट कर दो, कोई बात नहीं जितनी भी एक्सपेंसिव है आई विल बेयर इट। तो वहाँ पे एक लेडी आती हैं और वो कहते हैं कि सर आप इस कॉज के लिए जा रहे हो तो नेक्स्ट फ्लाइट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं और आप नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आप जा सकते हैं।
तो यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें लोग सपोर्ट में आए, खड़े हुए मेरे साथ। तो आज उन्हीं के प्यार की वजह से ही मैं ये काम कर पा रहा हूँ और आगे बढ़ पा रहा हूँ। प्रार्थना तो यही है कि कभी भी और पोर्ट्रेट ना बनाना पड़े, लेकिन स्टिल अभी भी जो हमारे भाई हैं जिनके घरों तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, तो वहां तक पहुंचूंगा इन लोगों के आशीर्वाद से। हुतांश शहीदों की फैमिली को पोर्ट्रेट्स देते वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हैं। कभी उनके सामने अपने जवान बेटे या बेटी को खो चुके माँ बाप होते हैं, तो कभी अपने पति को खो चुकी शहीद की पत्नी, तो कभी वो बच्चे जिन्होंने अपने पिता को सिर्फ बचपन में देखा था या फिर कभी देखा ही नहीं। रिएक्शन मैं शब्दों में शायद नहीं बयां कर पाऊंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो भी चुप होते हैं, मैं भी चुप होता हूं, कोई बात करने के लिए टॉपिक नहीं होता, और उनकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे होते हैं और मुझे ज़ोर से गले लगाते हैं, और बहुत ही इमोशनल एक कह सकते हैं कि एहसास होता है, तो जिसको शायद शब्दों में बोलना उसकी इस इमोशन की रिस्पेक्ट ना करना होगा। शहीदों के फैमिली मेंबर्स भी इस काम के लिए हुतांश की तारीफ करते हैं। आखिर वह पोर्ट्रेट्स के जरिए ही सही पर अपने बच्चे को एक बार फिर से मुस्कुराता हुआ देख पाते हैं। जब भी पोर्ट्रेट फैमिली तक जाता है और जब फैमिली कहती है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बच्चा ही मेरे सामने खड़ा है और वो मुस्कुरा रहा है, इस पोर्ट्रेट को देख के मैं उनसे कनेक्ट फील कर पा रही हूँ, या फिर अपने हस्बैंड से, अपने भाई से वो एक कनेक्ट फील कर पाते हैं, क्योंकि हर पोर्ट्रेट बनाने के दौरान मेरी ज़िंदगी के भी कुछ हिस्से उसमें चले जाते हैं, मेरा टाइम, मेरी उस सोल का पार्ट उस पोर्ट्रेट के साथ चला जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि शायद खासियत यही है कि मैं उन रूह से, उन सोल से कनेक्ट कर पा रहा हूँ और फैमिलीज़ को कनेक्ट करवा पा रहा हूँ, तो यही शायद उसकी खासियत है। तो जब वो मेरे घर आया अमोल का पोर्ट्रेट लेके, तो मुझे ये लगा कि आज 19 साल बाद अमोल घर आ गया है, हूबहू वही मुस्कान, वही चेहरा। शब्द नहीं है कि मैं कैसे इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करूं। 31 साल पहले नीले का शव इस डेड बॉडी एक त्रिलिंगा में लपेट करके आया था, और 31 साल के बाद एक होनहार युवा चित्रकार नीलेश को हंसते हुए एक पोर्ट्रेट में लेके जब हमारे घर में आया, तो मुझे लगा कि नीलेश वापिस आया है, हंसते हुए आया है। Portrait of him, which I will hold so dear to my heart, because not only is he a very exceptional artist, he's a very generous boy. Our friend Hutanj had come all the way from Delhi to give a presentation of his portrait. We are so much honored for his coming here, and in fact his work is a work of excellency. It has done very nicely. It's coming exactly like his personality. यूपी के सफर में हुतांश के राह में कई रुकावटें भी आई, उन्हें कई मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वे बिना डरे, बिना रुके, बिना थके अपना काम करते रहे। चुनौतियां शुरू से ही आईं, और जैसा कि पहले स्टार्टिंग करी थी तो लोगों का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, क्या कर रहे हो, क्या बकवास काम है, तुम क्यों अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कह सकते हैं कि सोसाइटी के कुछ लोगों ने कभी भी इस चीज़ को प्रेज़ नहीं किया। बाय द टाइम मैंने धीरे धीरे इसको करना शुरू करा, तो नहीं पता था कि कभी एक भी पोर्ट्रेट डिलीवर कर पाऊँगा, बिकॉज़ कोई एड्रेसेस नहीं थे, आने जाने के लिए पैसा नहीं था, पोर्ट्रेट फ्रेम कराने के लिए पैसा नहीं था। पर जब आपके मन में कुछ पॉजिटिव करने की होती है तो राह अपने आप निकल आती है। लोगों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू करा और भगवान ने राह दिखानी शुरू करी, तो नहीं पता था कि एक भी पोर्ट्रेट डिलीवर होगा। आज 64 पोर्ट्रेट डिलीवर कर चुका हूँ 6 सालों में। इस प्रोजेक्ट के लिए हुतांश को तारीफें भी खूब मिली हैं। हुतांश, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सेल्फलेस तरीके से आप शहीदों की मदद कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज की मदद कर रहे हैं, उनके पोर्ट्रेट बना के, आई होप कि मैं नहीं सारे लोग को लोगों को ये पता चले कि ये एक बहुत सेल्फलेस तरीके का काम है, जो मीडिया अटेंशन के से दूर, कोई किसी लाइमलाइट से दूर, और आई होप कि बहुत लोग इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े। भारतीय सेना के सीडीएस विपिन रावत ने उनको पीठ थपथपाकर शाबाशी दी, वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें डिनर पर बुलाया और सम्मान दिया।
उन्हें कई रेडियो शो और जोश टॉक जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी बात कहने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन हुतांश इन तारीफों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते और अपना पूरा फोकस अपने काम पर ही रखते हैं। लेखिका रचना बिश्रावत ने अपनी किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर में हुतांश के बनाए पोर्ट्रेट्स के बारे में लिखा है और उनकी तारीफ की है। इन सब के साथ ही सोशल मीडिया ने भी इस प्रोजेक्ट में हुतांश का पूरा साथ दिया। वे फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर शहीदों के बारे में लिखते हैं और उनकी वीरता के किस्से लोगों तक पहुंचाते हैं। हर एक उस इंसान ने मुझे सपोर्ट किया जो आज के टाइम में मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करता है अपने कमेंट से, अपने किसी भी तरह के सजेशन से। हुतांश का मानना है कि सेना को थैंक्स बोलने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना ही जरूरी नहीं है। हम कुछ छोटे छोटे लेकिन अच्छे काम करके भी सेना की मदद कर सकते हैं और उन्हें सम्मान दे सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद हुतांश के जिंदगी में कई अच्छे बदलाव आए। उनका दुनिया देखने का नजरिया बदला, जीवन जीने का ढंग बदला। अब वे खुद फौज की तरह डिसिप्लिन लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहूँगा कि हुतांश एज एन आर्टिस्ट कब का ख़त्म हो जाता, बिकॉज जब मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं अंदर से टूट चुका था। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो था और मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया था। तो POP यानी पॉप पोर्ट्रेट्स ऑफ पेट्रेट्स, ये वो कहूँगा शब्द हैं जिन्होंने मुझे एक आर्टिस्ट बने रखने में मदद करी। अगर मैं इन फौजियों के चित्र नहीं बनाता तो शायद मैं कभी ब्रश भी नहीं उठा पाता। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था और POP ने मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान में बदल दिया। मुझे ज़िंदगी की वैल्यू समझ में आ गई, मुझे रिश्तों की वैल्यू समझ में आ गई। जो हुतांश पहले सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचता था, उसको ये समझ में आ गया कि पैसे से भी बढ़कर इस दुनिया में बहुत कुछ है। और शायद मैं कहूँगा इन परिवारों ने मुझे बदल दिया। आज के टाइम में मैं रिलेशनशिप्स को ज़्यादा महत्व देता हूँ, आज के टाइम में मैं परिवार को ज़्यादा महत्व देता हूँ, आज के टाइम में मैं दूसरों के लिए कुछ करने की भावना को महत्व देता हूँ, क्योंकि फौज ने मुझे बदल दिया। मैं एक शायद डिसिप्लिन की मुझ में अभी भी शायद थोड़ी कमी है, बट स्टिल मैं एक डिसिप्लिन इंसान बन रहा हूँ, बनने की कोशिश निरंतर जारी है। हुतांश POP को शहीदों को सम्मान देने के लिए किया गया एक छोटा सा प्रयास मानते हैं और चाहते हैं कि हर भारतीय अपने स्तर पर देश, सेना या समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करे और भारत माता का मान बढ़ाए। अगर एक टीचर होने के नाते मैं थोड़ा सा समय निकाल के देश के फौजियों के लिए कुछ कर सकता हूँ, उनके फैमिलीज़ के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो देश का हर इंसान, हर नागरिक कुछ ना कुछ कर सकता है। और जब ये सोच किसी के इंसान के अंदर आ जाती है तो देश अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। तो POP का जो लक्ष्य है वो ये है कि जब तक हुतांश शर्मा ज़िंदा है, ये पोर्ट्रेट्स बना के शहीद फैमिलीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाता रहेगा। और दूसरों के लिए मैसेज ये है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, थोड़ा सा टाइम देश के लिए और दूसरे लोगों के काम आने के लिए ज़रूर निकालें। हर किसी के लाइफ में समय आएगा कि जब आप इस दुनिया से विदा लेंगे, और मैंने सुना है, ऐसा पढ़ा है कहीं पे कि जब आप मरते हैं तो आपकी एक लाइफ का पूरा साइकिल आपके नज़र के सामने घूमता, एक पिक्चर सामने क्रिएट होती है। तो मेक श्योर दैट पिक्चर इज़ वर्थ वॉचिंग, एक इंटरेस्टिंग, एक एंटरटेनिंग और एक पॉजिटिव पिक्चर हो जिस पर आपको गर्व हो। थैंक यू। जय हिंद।